नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ट्रैक। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है फिलहाल। जो अपडेट है वो ये है कि बेन स्टोक्स ने ओडीआई से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, और इस घोषणा के पीछे बेन स्टोक्स ने क्या कुछ वजह बताई वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए, बेन स्टोक्स ने अभी हाल ही में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो सीरीज हुए उसमें बेन स्टोक्स ने भी जो है बल्लेबाजी की शानदार रहा उनके लिए कहीं ना कहीं सीरीज इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन एक यादगार पल के तौर पे जो रिटायरमेंट की अगर बात होती है कि एक हर खिलाड़ी चाहते हैं कि उसका रिटायरमेंट जो है वो यादगार हो, लेकिन बेन स्टोक्स ने फिलहाल जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा जो है वो सिर्फ ओडीआई मुकाबले से, यानी वनडे फॉर्मेट में अब खेलते हुए बेन स्टोक्स जो है वो नहीं दिखाई देंगे। 100 से ज्यादा ओडीआई मुकाबले और लगभग 3000 के आसपास बेन स्टोक्स ने अपने करियर में रन बनाए हैं, और इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अगर बल्लेबाजी यूनिट की बात की जाए या फिर इंग्लैंड के खिलाड़ी के तौर पर अगर देखा जाए तो बेन स्टोक्स एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है। और अब आपको ये बता दें कि आखिर बेन स्टोक्स ने इसके पीछे यानी ओडीआई से रिटायरमेंट लेने के पीछे की वजह क्या बताई। देखिए, बकायदा ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्वीट में बेन स्टोक्स ने एक तस्वीर उन्होंने साझा की और एक पोस्ट जो है वो साझा किए, दोनों ही आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने यादगार पलों को उन्होंने याद किया है, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि देखिए, मेरा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं मुकाबला जो है आगे भी कंटिन्यू खेलूं, और इसलिए तीनों ही फॉर्मेट में यानी सभी फॉर्मेट में खेल पाना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ओडीआई से रिटायरमेंट लेने का घोषणा जो है वो कर दिया। और रिटायरमेंट लेने के साथ ही अगर बात की जाए तो रिटायरमेंट की घोषणा के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बात कहा है कि देखिए, मेरे वजह से मैं ये नहीं चाहता कि मैं ना चाहते हुए भी यानी मेरा शरीर जो है वो अलाउ ना करे खेलने के लिए, फिर भी मैं गेम को कंटिन्यू रखूं, इससे अच्छा है कि मेरी जगह पे किसी और खिलाड़ी को किसी और टैलेंट को मौका मिले। तो ये कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स के ओडीआई से ओडीआई के फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के पीछे की जो वजह थी वो हम अपने आपको बता दिया। और आपको क्या लगता है, क्या बेन स्टोक्स जो रिटायरमेंट लेने का उन्होंने फैसला लिया ओडीआई मुकाबलों से, वो कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट से जो रिटायरमेंट की घोषणा की है बेन स्टोक्स ने, वो क्या सही फैसला साबित होगा, या फिर बेन स्टोक्स के अंदर अभी और ओडीआई फॉर्मेट में खेलने की जो है चाहत, या फिर उनके फिटनेस के हिसाब से अगर बात की जाए तो उनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं काबिलियत मौजूद है और बेन स्टोक्स को ओडीआई मुकाबले अभी और भी खेलने चाहिए थे। तो चलिए आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बता देते हैं कि कैसा रहा है बेन स्टोक्स का जो ओडीआई करियर है। अब तक बेन स्टोक्स ने कुल 104 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2919 रन उन्होंने बनाए हैं। एवरेज जो है वो 39.6 का रहा है, स्ट्राइक रेट 95.3 का रहा है। बेस्ट की अगर बात की जाए तो 102 रन उनका बेस्ट है। शतक की बात की जाए तो उन्होंने अपने ओडीआई करियर में 3 शतक लगाए हैं और 21 अर्धशतक लगाए हैं। तो इस तरीके से अपना ओडीआई करियर में योगदान देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट की एकाएक घोषणा जो की है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेन स्टोक्स के फैन और साथ ही साथ इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस और विश्व में जितने भी चाहने वाले प्रशंसक हैं बेन स्टोक्स के, उन सब के लिए ये कहीं ना कहीं एक झटका के तौर पर देखा जा सकता है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि बेन स्टोक्स के एकाएक इस तरीके के ऐलान के बाद आपको क्या कुछ लगा, आपको क्या कुछ महसूस हुआ, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो स्पोर्ट्स ट्रैक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।